हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन सेकंड पार्ट करने वाले हैं फाइबर एफिलिएट मार्केटिंग की जो सीरीज चल रही है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मस्ट आप उसको जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि फाइबर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे बिगनर्स के लिए बेस्ट हो सकता है, कितना कमीशन मिलता है उसमें और कौन कौन से कमीशन के प्रकार हैं, कैसे ये बाकी सभी जो एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम्स हैं जैसे क्लिक बैंक, डिजिस्टोर या अमेजोन, उन सबसे ये आसान है बिगनर्स के लिए अगर आप ट्राई करते हैं, और बहुत ही बड़ी पोटेंशियल है इसमें अर्न करने की। बाकी जो प्लेटफॉर्म है लाइक क्लिक बैंक, डिजिस्टोर, अमेजोन, जो मैंने आपको पहले बताया जिनके बारे में आप जानते हैं, उनसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अर्न कर सकते हो उनसे भी कम मेहनत में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग जरिया है ऑनलाइन अर्निंग करने का, फाइबर एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पर लोग, आपको पता है कि फाइबर पर क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज बेचते हैं, जिनको कुछ अपनी स्किल्स आती है वो अपनी स्किल्स के दम पर वहां पर पैसा कमाते हैं, अपनी स्किल्स को बेचते हैं वहां पर, और जिनको कुछ वहां पे चाहिए होता है कोई काम करवाना तो वो लोग वहां पर जाते हैं। तो इन दोनों ही केसेज में आप दोनों को ना करते हुए किस तरीके से फाइबर एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए अर्न कर सकते हैं, वो ये पूरी सीरीज में आपको यहां पर बताने वाला हूं। और ये इसका पार्ट सेकंड है जिसके अंदर हम जानने वाले हैं पेमेंट्स मेथड, किस तरीके से आपको लिंक लेना है, और पूरा डैशबोर्ड मैं आपको समझाने वाला हूं इस पार्ट में। लेकिन आप पहला पार्ट जरूर देखिएगा, वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें ताकि इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो भी आपको पता चले, और इसी तरह के और भी बेहतर और अमेजिंग वीडियोज आपको हर रोज फ्री में देखने को मिलती रहे। अभी हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, अगर आपका कोई डाउट है या फिर हमसे किसी भी प्रकार से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हम इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अभी फाइबर एफिलिएट का जो अकाउंट है उसके अंदर अभी लॉगिन कर रखा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना सुपर सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो सीपीए मार्केट्स जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रूफ्स भी देने पड़ते हैं पहले से, और काफ़ी आपका वेरिफिकेशन भी वहाँ पर होता है, लेकिन फाइबर एफिलिएट में ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली जो अपने बेसिक कंडीशंस है उसी के जरिए अपना जो है यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं, और ये आपका डैशबोर्ड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया था, ये पार्ट टू है, इसके अंदर मैं आपको पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर बताने वाला हूँ किस तरीके से किस ऑप्शन का आप क्या यूज कर सकते हो। बेसिकली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभी डैशबोर्ड में, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर बैलेंस दिखेगा, और यहाँ पर ये आपकी आईडी है, आईडी आपको नोट आउट करके रखनी चाहिए, बेसिकली आपको वहाँ पर ईमेल में भी शायद मिल जाएगी, ठीक है। तो डैशबोर्ड के अंदर आपको जो चीज़ मिलती है, यहाँ पे आप देखोगे मार्केटिंग टूल्स है जो कि यहाँ पर भी मिलेगा आपको यहाँ पे मेन्यू बार में, और मीडिया रिपोर्ट है जो कि यहाँ पर भी आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है, और पेमेंट हिस्ट्री है, ठीक है। ऑफकोर्स पेमेंट हिस्ट्री में आप देख पाओगे कितनी पेमेंट आपने रिसीव की है, जो उसकी हिस्ट्री है पूरी आपको पेमेंट हिस्ट्री में देखने को मिलेगी, ये सुपर सिंपल है। उसके अलावा यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 1/7 से लेकर के 21/7 तक का फिल्टर लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा एक महीने का यहाँ पर जो है दिखाता रहता है रिपोर्ट। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके लास्ट डेज, मतलब लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, ओके। ये डेटा इंप्रेशन, आपको पता ही है कि आपके लिंक पर कितने लोगों ने आपके लिंक को देखा, दैट इज इंप्रेशन, ओके। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट कितना रहा है, यानी कि अगर 1000 लोगों ने आपके लिंक को देखा है तो क्लिक थ्रू रेट कितना रहा है, कितने प्रतिशत लोगों ने उस पर क्लिक किया उस लिंक पर, तो ये है CTR, ओके। देन यूनिक क्लिक्स, जो नए क्लिक आपके लिंक पर होते हैं, और टोटल क्लिक्स यहाँ पर आएंगे, ओके। नए और पुराने, जिसने पहले भी क्लिक किया और दोबारा क्लिक किया तो टोटल यहाँ पर आएंगे, और यूनिक क्लिक्स यहाँ पर शो होंगे। रजिस्ट्रेशन लाइक कितने आपके जो है पंजीकरण, यानी कि कितने लोगों ने साइनअप किया है आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके। कन्वर्जन रेट, कितना प्रतिशत कन्वर्जन आपको मिल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम बायर्स कितने हैं, कितने लोगों ने आपके लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट टाइम कोई सर्विस बाई की है फाइबर से, वो यहाँ पर शो होगा, और कमीशन कितनी आपकी अर्निंग है वो आपको यहाँ पर शो होगी। तो ये तो है सिंपल ओवरव्यू, ठीक है। अब वन बाय वन इसके बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले मस्ट हमें पता होना चाहिए मार्केटिंग टूल्स का, तो यहाँ पर है, इस पर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो काफी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि ऑल मार्केटिंग टूल्स है, प्राइवेट मार्केटिंग टूल्स है, डिफॉल्ट एंड डीप लिंक्स है, गिग विजिट है, एंड देन सर्च बॉक्स विजिट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए सभी कुछ इसमें आ जाएगा, तो आप ऑल मार्केटिंग टूल पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है, ओके। तो यहाँ पर ऑल मार्केटिंग टूल्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, डोंट वरी। आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टर बाई ब्रांड, तो किस हिसाब से आप फाइबर के जो है उसके देखना चाहते हो टूल्स, या फिर हाइब्रिड के देखना चाहते हो, ये फाइबर CPA क्या है, फाइब्रिड ये जो है फाइबर हाइब्रिड क्या है, और फाइबर सब एफिलिएट्स क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इजीली बड़ा सिंपल सा यानी कि आपको क्लियर कर दिया था। तो इसलिए मैंने कहा कि आप पहला पार्ट जरूर देखिए, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ फाइबर CPA के, उसके बाद फिल्टर बाई टाइप, इस पर आपने क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख पाओ किस तरीके का आप फिल्टर यहाँ पे करना चाहते हो, यानी कि रिसोर्स जो टूल्स है जो आप यूज करना चाहते हो वो किस तरीके के होने चाहिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको मैं नहीं, कोई फिल्टर नहीं लगा रहा, इस पर आप क्लिक करके इसको खाली छोड़ सकते हैं।
उसके अलावा फिल्टर बाय लैंग्वेज, फिल्टर बाय क्रिएटिव नेम्स, ठीक है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर शो क्रिएटिव्स पे क्लिक करने वाला हूँ, यानी कि सिर्फ हम सीपीए के जो टूल्स है वो देखना चाहते हैं। टूल्स किस प्रकार के होते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, किस काम आएंगे वो भी आपको यहाँ पर देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली इस पार्ट में आपने दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, पेमेंट मेथड और यू नो लाइक थ्रेशोल्ड कितना है। उसके अलावा रिपोर्ट्स पे आपने ध्यान देना, किस तरीके से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। कमीशन प्लान आपने अच्छे से यहाँ पे देखना है। ये तीन चार चीज़ें आपको ध्यान से यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले ये जो आपने देख रहे हो टूल्स, ये बेसिकली कहाँ पर ये देख सकते हो आप, जैसे कि बैनर, अगर आपको कहीं बैनर लगाना है तो ये वाला आप लिंक यूज कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट वगैरह है प्रमोट करना चाहते हो तो ये सारे लिंक्स हैं किस तरीके के हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इनको अगर आप यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इनको यहाँ से कॉपी करोगे इन लिंक्स को और यूज करोगे। अगर आप लिंक शॉर्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे और गेट एचटीएमएल कोड पर क्लिक करोगे तो आपको एचटीएमएल कोड मिल जाएगा कहीं पर भी अगर आप एम्बेड करना चाहते हो इस बैनर को, ओके। तो यहाँ पर 257 से भी ज़्यादा पेजेस हैं जिनको कि आप यहाँ पे टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस डैशबोर्ड में जो दूसरा मेजर ऑप्शन है वो है रिपोर्ट्स का। तो बेसिकली रिपोर्ट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी ही रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट जो कि आपके साइनअप्स हुए हैं, उसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट अगर आप रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑफकोर्स आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट है ये अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मीडिया रिपोर्ट में जो आपके जो आंकड़े रहते हैं एनालिटिक्स जो कहते हैं अपने, वो सारी चीज़ यहाँ पे शो होती है, जैसे कि इंप्रेशन, क्लिक और रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम बायर यानी कि FTB और कमीशन, ठीक है। ये मीडिया रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में, तो इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। बेसिकली रिपोर्ट्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो आपका डेटा है, आप समझ जाओगे धीरे धीरे। जो भी है जो इंपॉर्टेंट जो डेटा रहता है वो आपको डैशबोर्ड में दिख जाता है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी कुछ ब्लैंक है, कोई ज़्यादा डेटा हमारे पास है नहीं इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो डोंट वरी, इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको यहाँ पर। मैं तीसरा जो ऑप्शन है इसका पेमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करके आप जैसा मैंने कहा कि आपके पेमेंट्स की आप हिस्ट्री देख सकते हो। उसके अलावा पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पर पता चलेगी कि विड्रॉल कितना है और किस तरीके के पेमेंट्स मेथड है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, वंस योर अकाउंट विल बी रीच $100 यू विल बी एबल टू रिक्वेस्ट योर पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। डोंट वरी इफ यू हैवंट रीच द थ्रेशहोल्ड येट, योर अर्निंग विल स्टे सेफ इन सिक्योर योर बैलेंस, ठीक है। तो जो थ्रेशहोल्ड है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जैसे ही आपके यहाँ पर $100 कंप्लीट होते हैं तो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड क्या है, कैसे आप अपनी पेमेंट जो है थ्रेशहोल्ड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना अकाउंट डिटेल्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से अकाउंट डिटेल्स पर आपने क्लिक करना है जहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, ओके। सो फर्स्ट चीज, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहला जो आपको चीज देखने को मिलेगी वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका नाम जो आपने डिटेल्स डाली है, आपका एड्रेस वगैरह, वो सारी चीजें, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आप इसको एडिट भी कर सकते हो, और एडिट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर एडिट का जो बटन दिया गया इस पर क्लिक करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है हमें पेमेंट डिटेल्स, इस पर आपने क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स कुछ भी नहीं है, पेमेंट करेंसी, पेमेंट मेथड, अकाउंट टाइप, वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप करने वाले हो, तो यहाँ पर आपने एडिट बटन पर क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पर करेंसी, जो पेमेंट करेंसी है इसको आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर USD है, यूरो है और GBP है, तो हम USD में रखने वाले इसको। उसके अलावा पेमेंट मेथड यहाँ पर कौन कौन से हैं फाइबर के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वायर ट्रांसफर भी है, यानी कि डायरेक्ट टू द बैंक, ठीक है। अगर आप अपने डायरेक्ट बैंक में अपना ट्रांसफर करना चाहते हो जो भी कैश है, तो वो आप यहाँ पर चूज करोगे। और पेपाल है तो पेपाल में ले सकते हो, अदरवाइज आप पायोनियर यूज कर सकते हो। तो तीन ऑप्शन हैं यहाँ पर, मेजर तीन ऑप्शन हैं जो कि लगभग सभी के पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप वायर ट्रांसफर चूज करते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, लाइक आपका बेनिफिशियरी यानी कि जो आपका अकाउंट होल्डर का नेम है, उसके बाद अकाउंट नंबर, बैंक नेम क्या है, ब्रांच नेम, और यहाँ पर भी शिफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है तो शिफ्ट कोड आपको यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जरूरी चीज़ें वो आपको डालनी है, जैसे कि ये IBN नंबर यूरोप ओनली, तो इसको आप ब्लैंक कर दोगे। IBN नंबर US ओनली, इसको भी आप ब्लैंक कर सकते हो अगर आप US में नहीं हैं। अगर आप US में हैं तो ये IBN नंबर आपको डालना है, अगर आप यूरोप में हैं यानी कि आप यूरोप के निवासी हैं तो आपको IBAN नंबर डालना है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ोगे। और ये जो बाकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल जो आपकी यू नो लाइक बैंक पासबुक पे होती है, वो डिटेल आपको मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें डालनी है, आपको शिफ्ट कोड का पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पेमेंट मेथड जो है सेव कर सकते हैं, अपना सेट कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह चेंज करना, कुछ और सेटिंग है प्राइवेसी वगैरह, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कमीशन प्लान्स, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर पिक्सल्स भी है, पिक्सल्स आप जानते हैं ना, रिटारगेटिंग करने के लिए या फिर डेटा सेव करने के लिए, वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो आप यूज करना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप यूज कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देने वाला इस वीडियो में, तो अभी हमें जो देखना है वो है कमीशन प्लान। इस कमीशन प्लान को समझने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना एफिलिएट लिंक यहाँ से प्राप्त करोगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देख सकते हो सब एफिलिएट, ठीक है, यानी कि अगर आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके कोई पर्सन साइन अप करता है फाइबर पर और वो भी आपकी तरह एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो उसकी अर्निंग का 10% आपको मिलेगा, वो है सब एफिलिएट। ठीक है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हो, जबकि इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा एंड को में क्या है, ongoing net deposits rev share, यहाँ पे 50% है इसका, ठीक है, जो कि एक अलग से इनका सबका जो है एक ही आपका एफिलिएट अकाउंट बनता है, पर आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था फाइबर बिजनेस में अगर आप करते हो तो यहाँ पर जो आपका कमीशन रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर CPA या फिर फिक्स्ड CPA करते हो तो CPA अमाउंट जो होगा आपका $100 रहेगा और उसके बाद यहाँ पे 10% है, ठीक है, अगर वो दोनों में जाते हो यानी कि हाइब्रिड में आप जाते हो। उसके अलावा फाइबर CPA जो मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया था, पहले पार्ट में, इसलिए मैं आपको बार बार कह लूँगा, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए, ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइबर CPA ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, मेजर चीज़ है ये। यहाँ पे देखो अगर आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके कोई बंदा फाइबर पर प्रो प्लान में साइन अप करता है तो आपको $150 का कमीशन मिलेगा। अगर वो प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग से संबंधित कोई भी काम करवाता है तो आपको $30 का कमीशन मिलेगा अगर आप फाइबर CPA प्रमोट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इलस्ट्रेशंस का कुछ भी काम करवाते हैं अपने एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके यूजर इससे रिलेटेड को काम करवाता है तो आपको $25 का कमीशन मिलेगा। वॉइस ओवर से रिलेटेड अगर कोई बंदा आपके एफिलिएट लिंक पर फाइबर से कोई सर्विस परचेज करता है तो आपको $25 का कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार से आप नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा $40, यहाँ पे $50 का कमीशन अगर मोबाइल ऐप से संबंधित कोई काम करवाता है, SEO से संबंधित, वर्डप्रेस से संबंधित काम करवाता है तो $30 का। ये पूरी लिस्ट है जो कि आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो इसके अंदर कमीशन है CPA के अंदर वो है $15। ठीक है, अगर आपके एफिलिएट लिंक पर किसी पर्सन ने क्लिक किया, वो फाइबर पर गया और उसने कोई भी फाइबर से काम करवाया तो कम से कम $15 का तो आपको अर्निंग होगी ही होगी। फाइबर CPA की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये फाइबर CPA है और ये है फाइबर हाइब्रिड। ठीक है, फाइबर हाइब्रिड में जैसा मैंने आपको बताया था, फाइबर हाइब्रिड में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करता है उसके बाद वो फाइबर पे जाता है तो आपको जितना वो अमाउंट दे रहा है, ठीक है, उसका 10% मिलेगा, यानी कि जो भी उसने खर्च किया कोई सर्विसेज परचेज करने के लिए उसका 10% मिलेगा। और यहाँ पर CPA अमाउंट $10 यहाँ पे आप देख सकते हो, और CPA अमाउंट है उसका भी यहाँ पर आपको देख सकते हो $10 मिलेगा और 10% आपको मिलेगा, तो दोनों चीज़ें मिलेंगी, मिक्स हो गया, इसलिए ये हाइब्रिड है। ठीक है, और फाइबर लर्न में आपको 30% कमीशन मिलता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बता दिया था, तो ये है कमीशन प्लान। अब जानते हैं किस तरीके से आप अपना एफिलिएट लिंक यहाँ से लोगे, तो एफिलिएट लिंक लेने के लिए आपको यहाँ पर मार्केटिंग टूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप चाहें तो ऑल मार्केटिंग टूल पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आसान है, नंबर 3 डिफॉल्ट एंड डीप लिंक्स, इस पर आपने क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सारे लिंक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइबर CPA का है, आपको फाइबर CPA प्रमोट करना है तो ये सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिंक कॉपी करोगे, फाइबर हाइब्रिड करना है तो यहाँ से, एंड को करना है तो यहाँ से, फाइबर लर्न करना है तो ये सारे लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से देखो LP URL है, ये क्या होता है, लैंडिंग पेज URL, अगर आप पर्सन को फाइबर के किसी पर्टिकुलर पेज पे भेजना चाहते हो। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फाइबर में यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ YouTube चैनल इंट्रो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया, अब क्या फ़ायदा है आपको LP लिंक का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से समझिए, मान लो कि आप किसी ऐसे फेसबुक ग्रुप में हैं या फिर एक ऐसी ऑडियंस से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या आप ऐसे बंदे से मिले हो जो ये कह रहा है आपको कि भैया मुझे अपना इंट्रो बनवाना है, यूट्यूब के लिए इंट्रो बनाना है, तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ से बनवा सकता हूँ या कौन बेस्ट बनाता है इंट्रो मुझे बनवाना है, तो आप कैसे उसको बताओगे कि भैया यहाँ से लो ताकि आपको कमीशन भी मिले। तो इसके लिए मान लो कि ये आप बताना चाहते हो कि ये बंदा यहाँ पे देखो आई विल क्रिएट इंट्रो एंड आउट्रो फॉर योर यूट्यूब चैनल, तो आप इससे करवाना चाहते हो उसके लिए काम, तो इस पर आपने क्लिक करना है, इसको ओपन कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, मुझे यूजर को इस पेज पर भेजना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर भेजना है उसे, ये लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ मैं, तो मुझे इसका एफिलिएट लिंक चाहिए, तो क्या करना, आपने ऊपर से यानी कि इसका जो URL बार है वहाँ से इसका पूरा लिंक जो है कॉपी कर लीजिए। URL बार से पूरा लिंक कॉपी करने के बाद वापस अपने डैशबोर्ड में आइए, यहाँ पर देखो LP URL का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपना लिंक जो है पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो राइट का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा जो है यहाँ पे देखो, ओके ठीक है, और आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये पूरा जो लिंक है ये आपके बन चुके हैं, ये सभी लिंक्स आ जाएंगे आपके सभी। ठीक है, तो आपको CPA करना CPA करिए, हाइब्रिड करना हाइब्रिड करिए, ये आपका वो लिंक है लैंडिंग पेज का जो अभी हमने कॉपी किया, कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो वो उस पेज पर जाएगा। ठीक है, और आपको उसका कमीशन मिलेगा, तो ये आपको पता चल गया। इस वीडियो मैंने आपको लगभग जो इसकी मेजर चीज़ें हैं कि पेमेंट थ्रेशोल्ड कितना है वो है $100, पेमेंट मेथड कौन सा है पेपाल पायोनियर और बैंक ट्रांसफर है, उसके अलावा आपको अपना एफिलिएट लिंक्स कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया,
कौन कौन से कमीशन प्लान्स है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर करना है। सीरीज को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स है ये। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आपने फटाफट कर लेना ताकि आपको आगे की वीडियो मिस ना हो। और इससे पहले भी हमने बहुत ही अच्छा यूजफुल कंटेंट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस, अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्दी मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ या फिर अदर किसी बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।